निषाद समाज के द्वारा निषाद राज गुहा जी का भव्य रैली व शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 12 जिलों के निषाद समाज सम्मिलित हुए, जिसमें वार्ड नंबर 12 के पार्षद अशोक सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि निषाद राज गुहा जयंती भगवान श्री राम के प्रिय मित्र निषाद राज की रैली व शोभा यात्रा निषाद समाज द्वारा बड़े ही भव्य रूप से निकाला गया, जिसमें प्रसाद वितरण किया गया। अशोक सिंह ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केवट भूवंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट रामायण का एक खास पात्र है, जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेधा यादव की खास ग्राउंड रिपोर्ट। सर, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। ये कार्यक्रम जो इष्ट देव भगवान श्री राम को अपन मानते हैं, उनका ये प्रिय मित्र हैं, इससे बड़ा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जो भगवान के मित्र हों। और ये लोग बोलते हैं कि इनका पिताजी गुहा निषाद राज का और भगवान राम के पिताजी दशरथ जी, ये दोनों का गहरी मित्रता था। और ये जो आज का प्रयागराज है, वो वहाँ का ये महाराजा था निषाद राज जी। और बहुत गर्व की बात है कि ऐसे लोग जिसको भगवान के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले इनको नेता दिया जाता है, और ये प्रथम नागरिक का दर्जा इनको पर्याप्त था।